हेलो एवरीवन ऑल, आज हम लोग बात करने वाले हैं हाई स्कूल एग्जामिनेशन क्लास 10th की पेपर की। तो देखिए, हम लोग 2023 का पेपर, जो प्रीवियस ईयर पेपर है, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो क्लास 10th के बच्चा बाटी, बड़े ही ध्यान से आप लोगों को इस पेपर को देखना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ऑफ कोर्स यार, मेन पेपर की ही बात करेंगे अब इस सिचुएशन में, तो है ना। तो ये फर्स्ट में एक आपको पैसेज दिया हुआ है जिसे आपको थोड़े से ध्यान से पढ़ना है। इसमें एक बेकर की कहानी दी हुई है जो एक पुअर मैन से बहुत ज्यादा नाराज गुस्सा होता है क्योंकि वो उसकी दुकान के साइड में डेली खड़ा होता है। ठीक है, ही फेल दैट एनीवन हु स्मेल्ट हिज डिलीशियस प्रोडक्ट शुड पे फॉर द स्मेल। तो शो ही टुक द पुअर मैन टू द कोर्ट। देखिए, बड़ी सिंपल सी कहानी है। जो स्टिंगी बेकर होता है ना, वो पुअर मैन को उसके बेकर की जो स्मेल होती है उसे लेना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, जो बेकिंग ब्रेड बनती है उसकी। तो वो डेली उसकी दुकान की साइड में आकर खड़ा हो जाता था, लेकिन बेकर इस चीज़ से बहुत ज़्यादा गुस्सा था और उसे ऐसा लगता था कि जो भी उसके प्रोडक्ट की स्मेल ले रहा है, उसे सूंघ रहा है, उसके पास खड़ा हुआ है, तो उसे इस चीज की भरपाई करनी चाहिए, इसके लिए उसे पैसे देने चाहिए। तो वो क्या करता है, उस मैन को, उस गरीब किसान को, सॉरी गरीब गरीब व्यक्ति को क्या करता है, कोर्ट में ले जाता है। अब आगे देखिए जरा। द जज हार्ड ऑफ बेकर्स कंप्लेन पेशेंसली, देन ही आस्क द पुअर मैन डू यू हैव एनी मनी। तो बड़ी ही आसानी से बात है कि जो जज होता है, बड़े ही हार्ड तरीके से, बड़े ही गंभीर तरीके से उस चीज़ को, उसकी कंप्लेंट को सुनता है, बड़े ही पेशेंसली, एंड वो बोलता है उस पुअर मैन से कि तुम्हारे पास पैसा है। उस पुअर मैन से वो बोलता है कि तुम्हारे पास क्या है, पैसा है। तो भाई आगे जो कहानी है वो बोलती है क्या, देखिए जरा। द पुअर मैन सर्च हिज पॉकेट एंड प्रोड्यूस टू स्मॉल कॉइन, दिस इज ऑल द मनी आई हैव, ही सेड टू द जज। तो वो बोलता है, जो पुअर मैन होता है वो जज से बोलता है कि, मतलब पहले तो वो पॉकेट सर्च करने लगता है जैसे हम लोग देखते हैं, तो वो बोलता है कि मेरे पास ये पॉकेट है, इसमें जो दो कॉइन है बस वही है। सो वो बोलता है सिर्फ इतना ही है मेरे पास। द जज टुक द कॉइन्स फ्रॉम द पुअर मैन, द बेकर स्माइल्ड एंड Eagerly held out his hand। और क्या होता है, जैसे ही वो दो रुपए, जो दो कॉइन होते हैं, दो सिक्के होते हैं, जो जज होता है ना, वो उसे ले लेता है, जो पुअर मैन होता है, जो गरीब किसान बोलियो सॉरी जो गरीब व्यक्ति होता है उससे ले लेता है। तो बेकर बहुत ही स्माइल करता है, हेल्ड आउट कर देता है, उसका हाथ आगे कर देता है, उसको लगता है कि ये तो मुझे देने वाला है। बट जज डिड नॉट गिव द बेकर्स द मनी, लेकिन जज जो होता है बेकर को मनी नहीं देते हैं। ठीक है, ही ओनली जिंगल द कॉइन टुगेदर, ही देन रिटर्न देम टू द पुअर मैन सेइंग पनिशमेंट शुड फिट द क्राइम, द प्राइस फॉर द स्मेल ब्रेड शैल बी द साउंड ऑफ मनी। और वो क्या करता है, जिंगल करता है, बजाता है उस कॉइन्स को, एंड वो पैसे जो है वापिस कर देता है और कहता है कि पनिशमेंट शुड फिट द क्राइम। पनिशमेंट जो होती है क्राइम के लिए होती है, ठीक है। और जो प्राइस है स्मेल का, आई थिंक उसने क्या किया है, जो साउंड ऑफ मनी था ना, पैसे का जो साउंड था, मतलब जो चिल्लर बजी है, वो काफी था उसके लिए। वो ऐसा करता है जैसे कि खाने का, खाना तो मिला नहीं लेकिन खाने की स्मेल मिली, सुगंध मिली, वैसे ही पैसे तो मिले नहीं लेकिन पैसे की जो खनखनाहट वो मिल गई। सिंपल सी बात है। तो आगे देखते हैं इसके आंसर। देखिए, हाउ मेनी कॉइन्स वर फाउंड इन पुअर मैन पॉकेट। तो आंसर है टू। गिव अ सूटेबल टाइटल फॉर द अबव पैसेज। तो टिट फॉर टैट, परफेक्ट है। टिट फॉर टैट मतलब होता है जैसे को तैसा, जैसे को तैसा इसका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए। द पुअर मैन स्टूड आउटसाइड The poor man stood outside the bakery. तो इसका आंसर है to enjoy the smell of baking bread. वो इसलिए खड़ा होता है क्योंकि उसको स्मेल रहनी रहती है और बहुत ही मजा आता है उसे इस चीज में। The baker took the poor man to, कहाँ लेकर जाता है वो, कोर्ट। राइट आंसर है आपका कोर्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं इसका। ओके, तो इसमें एक कहानी दी हुई है। बी मतलब मधुमक्खी की, वेंट टू द टैंक एंड कॉइंस
इट्स थर्स्ट एंड टम्बलिंग इन वाज ऑलमोस्ट ड्रॉन्ड। चलिए बहुत ही सिंपल सी कहानी है, लेकिन अब मैं इसे नहीं सुनाऊंगी क्योंकि वीडियो हो जाएगी बहुत ज़्यादा लॉन्ग, तो अलग से इस पर वीडियो मैं बना दूंगी आप लोगों के लिए, ठीक है। हु सेव द वी, किसने सेव किया, तो डॉव ने, है ना। क्वेश्चन नंबर टू, What did the bee feel when it was saved by the dove? Gratitude. Third, who danced with the pen? Dove. Question number two, four, the meaning of the word tumbling is falling. मतलब गिरना। The bee went to the tent to quench its thirst. सारे आंसर मैंने आप लोगों को दे दिए हैं। अगर ये वाला पैसेज अगर आपको मैन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है तो प्लीज 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 करके आए। चलिए हम लोग चलते हैं आगे। अब हम लोग बात करेंगे सेक्शन बी की, ओके। सेक्शन बी, ओके, ये तो ग्रामर है। चलिए ये रहा आपका सेक्शन बी। देखिए जरा इसमें फर्स्ट थर्ड क्वेश्चन है कि यू आर मानस या मानसी स्टडिंग इन गवर्नमेंट हायर स्कूल सेकेंडरी स्कूल बालाघाट, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर इश्यूइंग यू स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट। सो इसके लिए मैंने पहले वीडियो बना रखा है और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी अटैच कर दी, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर फोर है कि राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक अबाउट 250 वर्ड्स। पांच नंबर का आपका ऐसे है और इसमें से आपको कोई सा भी वन करना है, ठीक है। चलिए इसके बिहाफ पर आप लोग ये भी कर सकते हैं, आई थिंक आई शुड सजेस्ट यू गाइस कि आप लोगों को ये करना चाहिए, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, ओके। Look at the visual input given below. Write in a small paragraph in about 75 words. तीन नंबर का है, बहुत ही आसानी से देखिए, बहुत ही सिंपल है कि यहाँ पर पर्वत बने हुए हैं, जो पक्षी है उड़ रहे हैं, पेड़ बने हुए हैं, नदी है। तो ये मैं आपको लिखवा चुकी हूँ और इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच, मैं सबकी लिंक अटैच कर रही हूँ क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगी और मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोगों का आंसर ज्यादा लॉन्ग जाए। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखें, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहले पैसेज को पढ़ें फिर देखते हैं। मेक अ नोट एंड ऑन इट यूजिंग एब्रीविएशंस इफ नीडेड, गिव अ सूटेबल टाइटल ऑफ इट। इसका टाइटल तो देख लेते हैं भाई, सिंस टाइम बिगिन इट्स नेचुरल ब्रॉड, यही है इसका आंसर। जो टाइटल है वो नेचुरल ब्रॉड है, लिविंग मिक्स्ड फॉरेस्ट ऑफ द हिमालयास, एज ये इतना बड़ा लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, नेचुरल ब्रॉड लिख दीजिए आप, ठीक है। और इसके अलावा अगर नोट्स की बात करते हैं तो आपको 1.1 बनाकर लिखना पड़ेगा, 1.2 1.3 करके। तो इसमें आपको जो भी सिंपल लगे, आप कुछ यहाँ से कुछ बीच में से एंड कुछ लास्ट में से वर्ड्स लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको और विस्तार से प्रीवियस ईयर पेपर को समझना है तो इसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। सेक्शन सी की बात कर लेते हैं हम लोग। सेक्शन सी है आपका, जुलाई कम्स ब्लैंक अगस्त, तो राइट आंसर है बिफोर। सेकेंड है अशोक वाज वन ऑफ द ब्लैंक ग्रेटेस्ट किंग्स ऑफ इंडिया, तो इसका राइट आंसर है द। क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए, बी ब्लैंक फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, तो इसका राइट आंसर है मस्ट। क्वेश्चन नंबर फोर, ही डैड ब्लैंक कैंसर, तो इसका आंसर है ऑफ। रितु हैज मैनी फ्रेंड्स। सिक्स देखिए, सी ब्लैंक अ सॉन्ग सिंग्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थ्री में देखिए, ब्लैंक यू लिव लॉन्ग, तो इसका राइट आंसर है मी, ओके। चले आगे, डूएस डायरेक्टेड दिया हुआ है, ही इज सो फैट दैट ही कैन नॉट रन फास्ट, तो यहाँ पर आप सो की जगह पे टू लिखे, ही इज टू फैट, यहाँ पर ही इज टू फैट, टू टी ओ टू टू रन फास्ट, इतना हटा के डायरेक्ट रन फास्ट लिख दीजिए, ओके। द बॉय इज माई नेफ्यू, द बॉय इज वेरिंग अ ब्लू शर्ट, आपको हू यूज करना है, क्या यूज करना है, हु, तो देखिए द बॉय हु इज वेयरिंग अ ब्लू शर्ट इज माई नेफ्यू, ठीक है। अनलेस यू रन फास्ट यू विल मिस द ट्रेन, इफ यूज करना है, सो यहाँ पर इफ ही लगा दो अनलेस की जगह पर। अनलेस यू रन फास्ट, अनलेस यू डोंट रन फास्ट, अनलेस यू डोंट रन फास्ट You will miss the train.
ठीक है, यहाँ पर डू नॉट लगाना ना भूलें। पुलिस अरेस्टेड द थीप, पुलिस डिड नॉट अरेस्टेड द थीप थीप बिकॉज यहाँ पर नेगेटिव बोला है। राम राइट्स अ लेटर चेंज द वॉइस, तो आपको लिखना पड़ेगा कि राम, सबसे पहले आपको वॉइस चेंज करना है तो अ लेटर से स्टार्ट करना पड़ेगा। आप लोग बोलेंगे अ लेटर इज रिटन बाय राम, स्विमिंग इज अ गुड हैबिट। राइट द सेंटेंस बिगिनिंग विद इट, आपको इट से स्टार्ट करना है। इट इज अ गुड हैबिट ऑफ स्विमिंग। ममता गोज टू स्कूल एवरी डे, मेक इंट्रोगेटिव, इसको इंट्रोगेटिव बनाना है तो आपको लिखना पड़ेगा डज ममता गो टू स्कूल एवरी डे, डज ममता गो टू स्कूल एवरी डे। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे सेक्शन डी की, टेक्स्ट बुक की। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट्स कम्स नेचुरली टू ह्यूमन्स हार्ट, तो इसका राइट आंसर क्या है बताइए, लव, हेट्रेड, यूनिटी या डिस्क्रिमिनेशन। तो इसका राइट आंसर है लव, अपने आप आता है। व्हाट वाज द नेम ऑफ एनएस डायरी, तो इसका नाम था किटी। कूर्ग इज फेमस फॉर किसके लिए बताइए, कॉफी के लिए। व्हाट नेम वाज गिवन टू ऑटर, तो इसका नाम है मिसविल, मिसविल था ना, या स्टोरी पढ़ी है कि नहीं, पढ़ना बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है उसकी। चले आगे देखिए आपका, इसके बाद अगर मैं बात कर रही हूँ, हाँ सही जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सट्रैक्ट तुम लोगों को देखना है थोड़ा सा, तो एक्सट्रैक्ट पर मैं एक डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दे रही हूँ, उसको चेक कर लेना। द मून वाज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी एंड स्टार्स वर शाइनिंग, ये है आपका शायद द ब्लैक एरोप्लेन की कहानी। हाउ वाज द वेदर व्हेन पायलट स्टार्टेड फ्लाइंग एरोप्लेन, सो इसका आंसर है क्लियर, मतलब जब उसने स्टार्ट किया था ना एरोप्लेन स्टार्ट चलाना तो क्लियर था। पायलट वाज गोइंग टू, कहाँ जा रहा था भाई, फ्रांस, इंग्लैंड या फिर यूएस या फिर इंग्लैंड, तो इंग्लैंड। द अबव पैसेज इज टेकन फ्रॉम विच लेसन, तो राइट आंसर है ब्लैक एरोप्लेन। चलिए रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस, फॉक्स से लिया गया है और क्वेश्चंस के आंसर लेट्स सी कितने बनते हैं हम लोगों से। व्हाट हैज बीन पर्सोनिफाइड इन अबव गिवन लाइंस, किसके बारे में बताया जा रहा है, किसके बारे में आप कह सकते हैं कि पूरा जो पोयम है वो है। आफ्टर सिटिंग फॉक मूव्स ऑन, राइट आंसर है मूव्स ऑन, उड़ जाता है। और द पोइट ऑफ द अवर पोयम इज, इसका राइट आंसर आप लोग बताइए, जहां तक इसका आंसर है कार्ल सैंडबर्ग, लेकिन अगर शायद अगर ये गलत है तो मैं इसका राइट आंसर कमेंट सेक्शन में पिन अटैच, मतलब आई मीन टू से अटैच कर रही हूँ, आप लोग जाकर देख लेना। सॉरी टू से पर वो थोड़ा सा माइंड से स्लिप हो गया है तो अभी मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ। क्वेश्चंस आप लोग देख सकते हैं, अगर आंसर चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। क्वेश्चन सारे ये हैं जो 2023 में आए थे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, चाहिए है तो मैंने हर एक चैप्टर के क्वेश्चन आंसर